आदाब, आप देख रहे हैं आवाज तो वही सुर में हूँ आपके साथ यास्मीन खान। अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस जो है वो हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो हार्वेस्टिंग का जो सीजन है वो भी उरूज पे है। लोग जो है अपनी फसल हार्वेस्ट करते हैं इस सीजन में, साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस है शायद वो भी अपना जो रिपोर्ट कार्ड पे उनका रिपोर्ट होगा उसको भी हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आज नॉर्थ कश्मीर में इलेक्शंस चल रहे हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ कुपवारा में, जहाँ पे एक खतरनाक बैटल हो रही है कैंडिडेट्स के बीच। अगर हम कुपवारा टाउन की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो कैंडिडेट्स के बीच में जो लड़ाई है उसे देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो है अभी लिस्ट में है। अगर बात करें पीडीपी की तो उनके जो फयाज मीर है वो कुपवारा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नासिर असलम वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीसी की बात करें तो सजाद लोन, जिन्होंने हंदवारा में भी फॉर्म भरा था और वो कुपवारा और हंदवारा दोनों जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज हम कुपवारा में कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो अपना मैंडेट जिस शख्स को देंगे उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ होप्स उन्होंने लगाई हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। जी अब्दुल रशीद, आपसे जानना चाहूंगी, आप चूंकि एक हिसाब से आप यहाँ बहुत बिजी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन का जो सिनारियो है, 10 साल के बाद लोगों को वोट डालने का मौका मिल रहा है, तो मुझे बताइए कैसी फीलिंग है कि 10 साल के बाद अपना नुमाइंदा चुनने का मौका? लोगों में बहुत जोश है, लोग अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। हम भी जा रहे हैं, अभी हमें ये खेत का है ना, अभी आधा घंटा लगेगी, आधे घंटे के बाद हम जाएंगे वोट डालने के लिए। जी आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ आते हैं? हंदवाड़ा के लंगेट। जी अच्छा, तो लंगेट में इंजीनियर रशीद का भी अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव चल रही है। तो जनेद साहब इंजीनियर, तो हम भी किसी अच्छा। किसी पार्ट को डाल लेंगे। तो लंगेट एरिया के ऐसे कौन से इश्यूज है जिनको लेके आज लोग अपना नुमाइंदा चुनेंगे? लंगेट के पास यही काम वाम होना और लीडर वो होना चाहिए जो हर काम करेंगे, बस यही लोगों का। एक और शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका नाम क्या है? मुदस्सिर अहमद। जी मुदस्सिर, आप कहाँ रहते हैं? मैं इधरी ब्रैरीपुरा रहती हूँ। जी आपसे जानना चाहूंगी, 10 साल के बाद लोगों को आज वोट डालने का मौका मिला है तो कैसी फीलिंग है? बहुत फीलिंग है, क्योंकि लोग जो हर जोश में है, क्योंकि डेवलपमेंट मतलब बेरोजगारी खत्म होना है यहाँ कश्मीर में, बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ सरकार आना जरूरी है। जी तो आपको क्या लगता है जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है अभी तक जितने भी काम हुए हैं, क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो काम हुए हैं, या आपको लगता है कि एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है कश्मीरी के लिए खासकर? एलजी भी काम करता है, बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन यहाँ भी सियासत सरकार ज़रूरी है कश्मीर में, क्योंकि हर मतलब हर गवर्नमेंट सरकार का ज़रूरी है। जी तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक लोकल कम्युनिटी में एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, क्योंकि शायद वो उन मसलों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं? क्योंकि आप इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि लोकल्स के लिए एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर के बंदे को नहीं पता होता कि कम्युनिटी के क्या मसले मसले। लोकल रिप्रेजेंट ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो लोकल है हम जाएंगे लोकल के लिए, बाहर कौन जाएंगे कश्मीर के लिए? यहाँ मतलब हम यहाँ लंगेट कानून से में इंजीनियर रशीद हैं, जनेद साहब हैं, या मतलब इरफान साहब हैं, इसमें कोई मतलब यहाँ ये नज़दीक है। जी इस बार का जो इलेक्शन है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, इस बार इंजीनियर रशीद भी मैदान में आए हैं, जमात इस्लामिया के भी कैंडिडेट्स हैं, कुछ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इन सब को जो अभी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या लगता है आपको कि क्या मतलब इनको भी लेना चाहिए या फिर जो पुरानी पार्टीज़ है वही ठीक है? नहीं, पुराने पार्टी था लेकिन उन्होंने जो काम नहीं अच्छे तरीके किया, तो हमने ये आज अच्छा लीडर चुना है, इंजीनियर रशीद जो पार्लियामेंट में आया था, हमने ये लीडर चुना कि वो काम करेंगे, और आज इंशाल्लाह भी असेंबली में हेल्प मतलब चुनाया कि वो भी आज इंशाल्लाह जीतेंगे। नॉर्थ कश्मीर में मुझे लगता है अभी जितने भी पोलिंग बूथ्स मैंने विजिट किया, ये पहला एक पोलिंग बूथ है जहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ लोगों की है। तो जनाब आपका नाम क्या है? जी मैं मुस्तफा। जी मुस्तफा, आपसे जानना चाहूंगी, 10 साल के बाद आज लोगों को मौका मिला है कि वो वोट डालेंगे, तो एज अ कॉमन कश्मीरी कैसी फीलिंग है और इस मूव को किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 10 साल के बाद देर से ही सही लेकिन इलेक्शन तो हुए, इस चीज़ का बड़े बेहद ही से इंतज़ार था, हमारे बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। इंशाल्लाह अगली गवर्नमेंट जो लोकल की होगी यानी सिविल गवर्नमेंट आ जाएगी, इंशाल्लाह वो बड़ी अच्छी होगी। आप क्या समझते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होना कश्मीरियों के लिए कितना ज़रूरी है?
मैं समझता हूँ जितना कि एक इंसान के लिए यहाँ स्पेशली कश्मीर के लिए जितना पानी ज़रूरी है एक इंसान के लिए, इतना ये भी है लोकल गवर्नमेंट जी। और ये जो कुपवारा का इलाका है, यहाँ पे हमेशा ये डिस्कशन होता है कि अगर कोई चीज़ कुपवारा के लिए दी जाती है वो हंदवारा पहुँच जाती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक तो बहुत सारे हैं, लीडरों की कमी रही है यहाँ। जो भी हमने इलेक्ट किए थे वो तो कहीं और चले गए, उनकी दिशा ही बदल जाती है, फिर इंशाल्लाह इस बार देख लेंगे। हाँ। अब इस बार जो इलेक्शंस है काफी इंटरेस्टिंग है, जमात इस्लामी की कैंडिडेट्स है, इंजीनियर रशीद की वेव भी अब नॉर्थ कश्मीर में है, किस तरह से देखते हैं उसको? नहीं, लोग बखूबी समझते हैं कि अच्छा क्या है, फर्क क्या है, सबको पता है कि कौन क्या है। अब मैं ये ओपन नहीं बता सकता कि कौन क्या है, लोग खूब समझते हैं कि किसको क्या इलेक्ट करना है। आपका नाम क्या है सर? गुलाम मीर जी। मीर साहब, राइट, हेडमास्टर में हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट। माशाल्लाह, आपसे जानना चाहूंगी कि लोगों को आज 10 साल के बाद मौका मिला है असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट, तो एक कॉमन कश्मीरी के लिए कैसी फीलिंग? ये एक खुशहाल बात है ना, हर एक तरह से यहाँ इलेक्शन कब होगा, अपनी सरकार आएगी, यहाँ लोकल मतलब रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो काम करेंगे। मतलब अक्सर जगहों पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, दूसरी चीजें नहीं, या कहीं पर भी हमें मतलब ये मुश्किल होती है। आज तक अब सेटिस्फाई, आज हर तकरीबन हर एक है कि मतलब यहाँ ये कैसे कहते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, काम करेंगे, अगर उन्हें वो मतलब खुदा ने वो तौफीक दे दी। हाँ, अब कुछ पुराने रिप्रेजेंटेटिव्स है जो फिर से इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ नए कैंडिडेट्स भी मैदान में उतर आए हैं, खासकर नॉर्थ कश्मीर में, तो उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आप? एक बात है, अगर हम ये कहेंगे कि आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, ये भी गलत है। अपने अपने मजदूर के मुताबिक आज तक हर एक ने अपना काम किया। देखिए, यहाँ पर पिछले 70 साल से एन सी की गवर्नमेंट थी, तो मतलब खानदानी राज था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया। मिसाल के तौर पर यहाँ में कुपवारा में एक डायर प्रॉब्लम थी पीने की पानी की, यहाँ मेयर सैफला मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हमारी वो प्रॉब्लम हल की, हमें आज साफ शफा पानी आता है चौकी वल से। तो इसी तरह हॉस्पिटल का मसला था यहाँ पर, है ठीक है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमें नहीं मिला, वो हंदवारा चला गया, लेकिन किसी हद तक उन्होंने काम किया। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि पुराने लोगों ने कुछ नहीं किया, ये गलत है। अपने मजदूर के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, जिससे कुछ हो सके। अब इसमें कुछ गलतियाँ हो भी जाती हैं तो उसमें वो मतलब अवॉइड करनी पड़ती है। कुपवारा में ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स अभी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगे, आपका नाम क्या है? इरफान अली जी। इरफान, आपसे जानना चाहूंगी, 10 साल के बाद आज लोगों को मौका मिला है कि वो अपना वोट डाल पा रहे हैं, तो एज अ कॉमन कश्मीरी, एज अ यूथ कैसी फीलिंग? बहुत अच्छी, ये मतलब खुशी है वोट डालने के लिए, आज सबसे फर्स्ट वोट है मेरा और बहुत खुश हूँ जी। आपका नाम क्या है? रियाज अहमद जी। रियाज साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि अब चूंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी टाइम रूल किया, या 10 साल तो गवर्नमेंट भी नहीं थी, बट बीजेपी या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि हमने डेवलपमेंट जो एक अच्छे स्केल पे किया है, तो एज अ कॉमन कश्मीरी क्या आप इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि एक कश्मीरी के लिए एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी है, जो एक कश्मीरी ही उसको रिप्रेजेंट करे? देखिए, जो आज इलेक्शन हो गए 10 साल बाद, क्योंकि कोई भी चीज हो, चाहे अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट, लेकिन बट एट द सेम टाइम यू नीड जो आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कॉमन मैन के जो लोगों के इश्यूज होते हैं तो वो रिप्रेजेंट फिर लोकल रिप्रेजेंटेटिव ही करता है। तो वो एक गैप थी जिसमें लोग मिस कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव्स को, क्योंकि आवाज़ आगे जा नहीं रही थी, वो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन था। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे, जैसे अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में भी काफ़ी अच्छी जो है पोलिंग हुई, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सेम इन द असेंबली इलेक्शंस के लोगों, खासतौर पर जो नौजवान अभी जो इसमें पोलिंग पार्टिसिपेशन कर रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड वी आर होपफुल कि मे बी इट विल क्रॉस 70%। जी, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिम मलिक है। जी आसिम, आपसे जानना चाहूंगी कि यंगस्टर्स जो है कुपवारा के, अक्सर ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि कोई भी चीज कुपवारा के लिए सैंक्शन होती है वो हंदवारा पहुंच जाती है, तो ये क्या टसल है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ? मैम, इसके पीछे जो रीजन है वो है कि हमारे लोकल कभी लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे, दैट्स व्हाई जो भी यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट के लिहाज से हमें कोई भी प्रोजेक्ट आता था तो वो हंदवारा शिफ्ट होता था, इसलिए अभी आज हम यहाँ पे आए हैं वोट डालने के लिए, और खुश भी है कि 10 साल के बाद अभी वोटिंग हो रही है, तो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को हम एक चांस दे रहे हैं, तो इस सिलसिले में हम अभी यहाँ पे आज वोट डालने आए और खुश भी है जी।
आपका नाम क्या है? जावेद मलिक। जी जावेद साहब, आपसे जानना चाहूंगी कुपवारा के कौन से ऐसे मसले मसाइल है जिनको लेके आज लोग घरों से बाहर आए हैं और वोट कर रहे हैं? बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उसमें से सबसे बड़ा मसला जो है जो यहाँ की जो जवान है, जो यहाँ की जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अभी बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की वजह से वो गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स हो रहे हैं और भी इन चीज़ों से हमें थोड़ा उनसे हमें जब सरकार बनेगी तो ठीक रहेगा ना, सरकार अच्छी बनेगी तो उस हिसाब से हमारा जो फायदा पहुँचेगा। इसलिए अब जो सरकार बनेगी उनसे किस तरह की उम्मीद है? बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत पहले ही बेरोजगारी का उसकी उम्मीद है, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। ड्रग्स को लेके कुपवारा की कैसी सूरत हाल? अभी तो यहाँ की जो पुलिस है वो भी उसके ऊपर अच्छा खास कर रही है, तो इंशाल्लाह जब सरकार बनेगी तब भी अच्छा ही रहेगा, उम्मीद है, उम्मीद बहुत सारी उम्मीद है। आपका नाम क्या है? जी बशीर अहमद मीर। जी बशीर, कुपवारा के लोग बोलते हैं कि हमें इम्पोर्टेड सरकार नहीं चाहिए, और कुछ लोग ये भी कुपवारा में बोलते हैं कि जो लोग यहाँ वोट लेते हैं फिर श्रीनगर में रहते हैं वो लोग भी हमें नहीं चाहिए, तो क्या है इसका डेफिनेशन मुझे थोड़ा सा? नहीं, डेफिनेशन ये है कि मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो समझती है कि यहाँ के लोग जो है वो नाअहल है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो इस सीट पे ना लड़े, तो हमने इसलिए फयाज साहब को चुना, ये राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि फयाज साहब जो वो हार के एमपी ये राज्यसभा मेंबर रहे हैं, तो ये एक इज्जत दी है उस टाइम मुफ्ती मोहम्मद साहब ने हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, नहीं बल्कि पूरी कुफारा को, कि नॉर्थ के ये पहले है, ये कैंडिडेट है जिनको राज्यसभा मेंबर लिया गया है, लेकिन इस टाइम जो है ना वो पार्टी को एक साइड छोड़ के आज लोगों ने मन बनाया कि हमें अपना लोकल कैंडिडेट जो है फयाज अहमद मीर साहब उसको कामयाब बनाया, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में यही हाल है, तो हमें नासिर साहब हो या सजाद साहब हो, हमें किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इस टाइम जो है लोकल कैंडिडेट है उसको कामयाब बनाना है, बस बाकी है। आपसे एक बार फिर से सवाल पूछना चाहूंगी, नॉर्थ कश्मीर में अब चूंकि जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी वो तो कंटेस्ट कर रही है, लेकिन अब जमात इस्लामी है, इंजीनियर रशीद की वेव है, तो उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो एक अलग किस्म का होता है, लेकिन जो असम्बली इलेक्शन होता है वो लोकल इश्यूज पे, वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड होता है। तो जहाँ तक आज की डेट का जो है, अगर आप देखेंगे इंजीनियर रशीद की जो लास्ट टाइम जो वोटिंग हुई या जो जमात इस्लामिया ने अभी लास्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेशन की, वैसा नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ अच्छी बात है कि जमात इस्लामी ने भी पॉलिटिक्स इसमें जो है पोलिंग में पार्टिसिपेशन की, एंड वी आर होपफुल कि जो है आने वाले टाइम में लोग अपने लोकल नुमाइंदे को चुनेंगे, एंड और उनकी भी अच्छी बात है कि वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो जाएगी उसमें। इंजीनियर रशीद की वेव कुपवारा में कैसी है? देखिए वो तो लोगों को डिसाइड कर रहे हैं, वो तो हम नहीं बोलेंगे, बट जहाँ तक हमारी कुपवारा की बात है, वी आर होपफुल कि जो हमारा यहाँ लोकल कैंडिडेट है तो जो लोगों का जो रुझान है वो उसी की तरफ है।